पहले दो चरणों के मतदान के बाद अब चुनावी तापमान सातवें आसमान पर है। सियासत के इस दंगल में बयानों का ऐसा तूफान है कि हर नेता फायर मोड में है और 24 के इस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो हर दिन अपने बयानों से एक नई लाइन खींच रहे हैं। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, राम मंदिर भी है, पाकिस्तान भी है, यानी प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर अपने विरोधियों को घेर रहे हैं। आपके वोट की ताकत देखिए, 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। ये पूरी कसरत जनता का ध्यान खींचने के लिए हो रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खिलाड़ी भी कम नहीं हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के अंदाज में न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि खुलकर बोल रहे हैं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है, और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। यही बात वो ऐसे बोले हैं, बांसवाड़ा के अंदर भी मंगलसूत्र, धन आपका सोना इकट्ठा कर लेंगे, बांट देंगे जो बच्चे पैदा करते हैं। अब तो भैंस पे भी आ गए, आपके दो भैंसे हो गए तो एक भैंस ले लेंगे आपकी, पाकिस्तान पे आ गए। तो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा कर रहे हैं और जो भड़का रहे लोगों को, जब 17 महीने वैसे 24 की महाभारत में सबसे कड़ी टक्कर अगर कहीं हो रही है तो वो बिहार में हो रही है, जहां 400 के मिशन पर 40 सीटें खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए काफी हैं, क्योंकि जितने हमले बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं उसका जवाब अकेले तेजस्वी दे रहे हैं, जो 30 दिन में 97 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मानो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई ट्रैक्टर हो। ये मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी एनडीए के 15 साल से सांसद हैं, उन सांसदों ने क्या किया इन इलाकों के लिए। मोदी जी भैंस चुरा लेगा, कल को मोदी जी बोलेंगे तुम्हारे शर्ट का बटन उठा लेगा, तुम्हारा कमीज को खींच देगा, ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? मुद्दे की बात करें ना, प्रधानमंत्री की 10 साल में क्या किया, बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया। इस बार सुपड़ा साफ है बीजेपी का। चुनाव बयानों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि शहजादे से शुरू हुई लड़ाई अब शाहजहां तक पहुंच गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां रैली कर रहे हैं राहुल गांधी पर शहजादा कहकर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका ने शहजादे के खिलाफ शाहजहां वाली जंग छेड़ दी है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से
पूरे देश को, और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नए नए बयान दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन की तुलना औरंगजेब फैन क्लब से कर दी है, यानी अब औरंगजेब की भी एंट्री हो चुकी है। एक प्रकार से ये इंडी अलायंस जो है, एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा, आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा, और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने बरासत टैक्स की बात की है। बयानों की कतार में अंग्रेज बचे थे, जिसकी कमी कंगना रनौत ने पूरी कर दी है, जो न सिर्फ इसे विपक्ष की बीमारी बता रही हैं, बल्कि राहुल से लेकर अखिलेश और तेजस्वी सब पर एक लाइन से हमला कर रही हैं। जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। दरअसल जब से कंगना रनौत को टिकट मिला है, उनके बयान चर्चा में हैं। वैसे जो जितना बोलता है वो उतना दिखता है, लेकिन कई बार बोल बिगड़ जाते हैं तो विवाद खड़ा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उस वक्त हुआ जब वो प्रचार करने छत्तीसगढ़ गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को शिव बताते हुए राम से मुकाबले की बात कर दी, जिसके बाद सियासत गर्माते देर नहीं लगी। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। दरअसल वोटर को लुभाने के लिए राम मंदिर का जिक्र भी खूब हो रहा है, जिसे बीजेपी इस बार कैश कर लेना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव लड़े गए उसमें राम मंदिर बनाने की बात होती थी, लेकिन अब राम मंदिर बन चुका है। ऐसे में बीजेपी के पास राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का बड़ा मौका है। चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। आज भारत एक नया भारत है। नेताओं के बयानों को देख लगता है कि चुनाव बयानों के दम पर ही जीत लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के शोर में पाकिस्तान से लेकर हिंदू मुसलमान, औरंगजेब से लेकर शहजादे, हर किसी की चर्चा है। जबकि महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, किसानी के मुद्दे पहले दो चरणों में ही रेस से बाहर हो चुके हैं, और अब सवाल बड़ा है कि दूसरे चरण में बयान इतने हावी हैं तो सातवें चरण तक पहुंचते पहुंचते क्या
क्या होगा।